चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधायक दल की बैठक की अध्यक्षता की है और बैठक में तमाम विधायक भी मौजूद रहे। वहीं सीएम ने बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बैठक को लेकर जानकारी दी, साथ ही सीएम ने विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा है। सप्ताह हमारी ये विधायक दल की बैठक अलग अलग रूप से होती है, कभी बैठक के रूप में, कभी व्यक्तिगत रूप से मिलने का। अपने अपने क्षेत्र के कुछ विषय होते हैं वो बताते हैं और कुछ प्रदेश के जो फीडबैक होता है वो भी। विशेष तौर पर आज जन संवाद के जो मेरे कार्यक्रम हुए हैं, चार हो चुके हैं, पांचवा भी महेंद्रगढ़ जिले का है, इस पर फीडबैक भी मैंने लिया है और इसकी चर्चा हुई है। अच्छा उसका मैसेज है सब जगह। साथ में अब अगले महीने में, क्योंकि केंद्र की ओर से कुछ कार्यक्रम आए हैं, संसदीय क्षेत्र जितने भी हैं उनमें सब कार्यक्रम करेंगे, साथ ही मंत्रिमंडल के सब साथी वो भी जनसंवाद के इन कार्यक्रमों में अपने अपने तरीके से करेंगे, ताकि ग्रामीण क्षेत्र में या शहरों में, क्योंकि अब नगरीय क्षेत्र के कुछ चुनाव भी आएंगे, तो उस सारे संबंध में जनता के साथ हमारा संवाद जो गति है उसको बढ़ाने के लिए चर्चा हुई और सब लोग उसके लिए तैयार हैं। देखिए आलोचना करते रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, उनकी आलोचना से फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन रूटीन के काम है, रूटीन में ही होंगे। अभी सब टेंडर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हुए हैं, टेंडर की प्रक्रिया होती है, टेंडर अलॉट होता है, अलॉट होने के बाद ही काम होते हैं, तो जैसे बाकी जगह पर होंगे वैसे उनकी जगह पर भी होंगे। प्रायोरिटी को स्वीकृति दी जा रही है ऐसा नहीं है, कुछ क्षेत्रों में टेंडर अलॉट हो चुके हैं, कुछ में रूटीन में चल रहे हैं, हो जाएंगे, लेकिन वर्षा काल से पहले पहले सब क्षेत्रों के अंदर ये सारे काम पूरे हो जाएंगे। तो जिनके हिसाब किताब कमज़ोर होते हैं वो ऐसे कुछ ना कुछ फेंकते रहते हैं, तो हिसाब किताब ही आदमी अपने हिसाब से करता है, उनके हिसाब किताब सारे कमज़ोर हैं और कहाँ क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। इस प्रकार के लुभावनी चीज़ों के माध्यम से कोई जनता प्रभावित हो ऐसा नहीं है। जो हम कर रहे हैं वो हम बता रहे हैं, उसके प्रति जनता का आकर्षण है कि हमने इतना सब कर दिया है। क्योंकि बड़े काम होते हैं उनका एक समय लगता ही है, उसमें बहुत चीज़ों में बहुत से तरह के व्यवधान भी आते हैं, कहीं ज़मीन का आता है, कहीं टेंडर का आता है, और बीच में कोविड भी आया, दो साल तक उसका भी व्यवधान था। तो 100 करोड़ से ऊपर के ऐसे 90 प्रोजेक्ट हैं जिनके ऊपर भी काम चल रहा है या कुछ काम बंद पड़े हैं। आज उनमें से 45 कामों का जो रिव्यू है उनका किया गया है और उसमें बहुत से काम तो ऐसे हैं जो अगले महीने 2 महीने पूरे हो जाएंगे, कुछ ऐसे हैं लंबे समय भी, 1 साल 1.5 साल का भी समय है उनमें लगने वाला है, लेकिन सभी काम टाइम से पूरे हों। एक रिव्यू मीटिंग होती है, वो आज मैंने ली है और जहाँ कहीं कोई छोटी कमियाँ थी उसको दूर करने के लिए निर्देश दिए।